सेक्सुअल डिजायर एक नेचुरल फीचर है, आपकी निगाह में क्या जो सेक्सुअल कंटेंट है उसको देखना या वीडियोस वगैरह इस तरह की देखना कैसा है? देखिए, बात यह है कि ये जो जिंसी मामलात हैं इनके साथ इंसान के मामले की नौयत यही है कि ये फितरत का तकाजा है, लेकिन इंसान को घर बनाना है। यानी जो जिम्मेदारी खुदा ने दी है वो यूँ नहीं है कि जैसे आपने घर में खाना पका के खा लिया, आपने जाके होटल पर खाना खा लिया, आपने रेस्तरां में खाना खा लिया, आपने सैर तफरी करनी है, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, आपको घर बनाना है। ये जो घर बनाना है ये खुदा की स्कीम में शरीक होना है। यानी अल्लाह ताला ने अगली नस्लों को पैदा करने के लिए ये गैर मामूली एहतमाम किया है। सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए कि अगर इंसानों के दरमियान जिनसी ताल्लुक पैदा होता और उसके नतीजे में इंसान पैदा होते और कोई किसी गली में फेंक के आ जाता, कोई कहीं चलता हुआ छोड़ देता, कोई उठा के ले आता, कोई ना उठा के ले आता, सोचे ज़रा कि इंसानों के साथ क्या होता। तो अल्लाह ताला ने ये ख़ास एहतमाम किया कि हमें इसका पाबंद कर दिया कि आपको एक घर बनाना है, एक ख़ानदान को वजूद में लाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एतमाद के साथ, संजीदगी के साथ वादा करें। यानी एक औरत और मर्द ये अहद करें कि वो वफादार रहेंगे, एक दूसरे के साथ वाबस्ता रहेंगे, माँ और बाप के फ़राइज अदा करेंगे, 15-20 साल तक बच्चे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उठाएंगे और ये एक ख़ानदान और इदारे के तौर पर जिम्मेदारी उठाई जाएगी। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये पाबंदी लगा दी कि जिनसी मामलात सिर्फ बीवी तक महदूद रहने चाहिए, इस मकसद के लिए, वरना कोई पाबंदी लगाने का शौक नहीं था। इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जब हम पैदा होते हैं तो नातवां होते हैं, बड़े होकर अफलातून और रिश्तू बन जाते हैं, लेकिन उस वक्त हम उठ के अपनी कोई हाजत भी पूरी नहीं कर सकते, मुंह में खाने का नवाला भी नहीं डाल सकते। तो हमें ज़रूरत है इस बात की, ये मेरी आपकी ज़रूरत है कि पैदाइश से लेकर शऊर की उम्र को पहुँचने तक हमें एक ख़ानदान मिले। ख़ानदान उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कि एक मर्द और औरत एक दूसरे के वफादार होकर ज़िंदगी बसर न करें। तो ये वफादारी है जिसको कायम करने के लिए शादी के बाद भी और शादी से पहले भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जिनसी मामलात के बारे में आप मोहतात रहें, इन मामलात को आप सिर्फ बीवी ही से मुतल्लिक रखें ताकि घर बन सके, ख़ानदान वजूद में आ सके और इंसानियत से सकनाना शुरू करें। ये वजह है, पाबंदी लगाने की वजह यह है। चुनाचे बदकारी को, जना को हमारे दीन में एक बड़ा जुर्म करार दे दिया गया। ये समझ लेना चाहिए कि जैसे पीना पिलाना है तो ये हो सकता है कि इब्तदा आप इस ग्लास से करें, लेकिन कुछ देर के बाद ये चीज़ आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है, यानी फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही मामला जिनसी चीज़ों का है। यानी इनमें आदमी का मामला ये नहीं है कि चलिए थोड़ी देर के लिए सैर कर लेंगे, एडिक्ट हो जाता है आदमी इनके बारे में। तो ये एडिक्शन है जिससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ज़रा ज़्यादा सख्ती फरमाई है। तो आप कोशिश करें इस बात की कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी इस पाकीज़गी और तहारत को मजरू करे और कल को आप बीवी के साथ वफादार न रह सके। ये शऊर की उम्र को पहुंचने के बाद हर बच्चे को एजुकेट होना चाहिए कि तुम अगर मर्द हो तो आने वाली औरत के लिए जिसने तुम्हारी बीवी बनना है, और लड़की है तो उसको कि आने वाले शौहर के लिए जो तुम्हारे बच्चे का बाप बनेगा, तुम्हें इस पाकीज़गी का एहतमाम करना।